अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट फूड का फेमस हलवा पराठा, जो हर गांव में खाया जाता है। इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी हूँ। इसमें डालूंगी एक चम्मच डालडा। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये मेले वाला हलवा बना रहे हैं, इसके लिए हमें रवा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये कम घी और या डालडे में आसान तरीके से बन जाता है। डालडा पिघल चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 3 छोटी इलायची। इलायची को हम 2 मिनट तक के पकने देंगे ताकि इसमें से खुशबू आए। 2 मिनट इलायची को भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। पानी हमें ज़्यादा ही यूज़ करना है और अभी इसमें मैं डालूंगी 1 बाटी शक्कर। अभी हम इसमें डालेंगे फूड कलर और शक्कर को पिघलने तक के हम पकाएंगे। शक्कर हमें इसमें ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमारा पराठा है जो है वो फिक्का होता है, इसके लिए हमें शक्कर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखना है शीरे में। देखिए शक्कर पिघल चुकी है, पानी में भी उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बाटी रवा। एक हाथ से हम रवा डालेंगे और एक हाथ से चम्मच से हिलाते रहेंगे। हलवे को हमें हिलाते ही रहना है ताकि इसमें गोले ना बने। देखिए पानी सूखते सूखते रवा भी पकते जाएगा। देखिए आधा पानी सूख चुका है, अभी हम इसको ढक्कन ढककर 5 मिनट बारीक आंच पे पकाएंगे। अभी हम हलवे को चेक करेंगे। देखिए पानी भी अच्छे से सूख गया है और रवा भी अच्छे से पक चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। पराठे के लिए मैंने 1.5 किलो मैदे का आटा ली हूँ। इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना घी, ना शक्कर, ना नमक, सिर्फ ऐसे ही हम पानी डालकर कलाएंगे। रोटी को जैसा हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से ही हमें गूंथना है। देखिए आटा मैंने गूंथ ली हूँ। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी तेल। तेल हमें ज़्यादा यूज़ करना है और इसे फिर से मस लूँगी। देखिए आटा अच्छे से मसल कर हो चुका है। अभी हम इसको साइड में रख। अभी आटे के मैं 3 गोले बनाऊंगी। आटे का मैंने 1 गोला ली हूँ, इसके ऊपर सूखा आटा डालूंगी और इसे बेलूंगी। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को अब मैं चारों तरफ से फैलाऊंगी और फिर इसे ऐसे एक फोल्ड करूंगी, फिर ऐसे एक फोल्ड करूंगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कर कर फिर इसे मैं गोल कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से फिर मैं इसको बेलूंगी। मैंने फ्राई पैन रख दी हूँ, इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। इसके ऊपर अभी मैं पराठे को डाल दूंगी। अभी मैं साइड में भी थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि पराठा अच्छा कुरकुरा बने। 2 मिनट पकने के बाद अभी मैं इसको पलटाऊंगी और
और फिर आप इसे साइड में तेल डालूंगी। इसे हमें दबा दबा कर सेकना है ताकि अच्छे से हमारे पराठे कुरकुरे हो और सब जगह से लाल हो। नीचे से पराठा लाल हो चुका है, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालूंगी और इसे पलट लूंगी। और इसे भी चारों तरफ से हमें ऐसे ही कर करके सेकना है। देखिए पराठा दोनों तरफ से सेक कर हो चुका है, अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी सेकेंगे। साइड में हम तेल डालेंगे। अभी हम इसको पलटाएंगे, फिर से हमें इसके ऊपर तेल डालना है। अभी हम थोड़ा सा तेल डालकर पराठे को पलटाएंगे। इस साइड भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए पराठा दोनों साइड से पक चुका है, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह हलवा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना हलवा पराठा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।